वो वक्त देखा है कि आपकी बॉलिंग से इंडियन बैट्समैन जो थे घबरा रहे थे, क्रिस गेल जैसा बैट्समैन घबरा रहा था। अब हम देखते हैं कि हमें आयरलैंड हरा देता है, हमें अफगानिस्तान हरा देता है, हमें यूएसए हरा देता है, हमें बांग्लादेश आके व्हाइट वॉश कर जाता है। मोहम्मद इरफान को कितना अफसोस होता है ये सब देखकर। नहीं सलमान भाई, अगर देखें तो जो अभी जो सीरीज पाकिस्तान इंडिया से आ रहा, उससे पहले मतलब अगर गिनना शुरू हो तो आप देखें आयरलैंड, उसके पहले बाद का आप ऐसी टीम से भी आ रहे हैं जिनके मुल्क में क्रिकेट का पता ही नहीं है किसी को कि क्रिकेट होती क्या है। जिस तरह यूएसए की टीम से आप T20 में आ रहे हैं, उसके बाद आयरलैंड से आ रहे हैं, उसके बाद फिर आप देखें अभी हमारे होम में आके बांग्लादेश तारीख में पहली दफा हमसे जीत के यहाँ से गया, कोई टेस्ट बल्कि व्हाइट वॉश करके गया है। तो अगर कोई भी टीम अगर किसी के घर आके मतलब उसको व्हाइट वॉश करके जाती है तो एक उसके लिए एक बहुत क्या कहते हैं लम्हा फिक्रिया होता है कि आपकी क्रिकेट अब बहुत डाउन हो चुकी है, आपको सख्त जो है फैसले लेने पड़ेंगे, आपको अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को बेहतर करना पड़ेगा। आप अकेले यंगस्टर को लेकर भी नहीं चाह रहे, जब तक आप सीनियर जूनियर को साथ लेके नहीं चलेंगे आपकी क्रिकेट इम्प्रूव नहीं करे उतने टाइम तक। जो मैंने आप पहले बात की थी 3 साल 4 साल पीछे जो हमने डोमेस्टिक क्रिकेट के प्लेयरों को आगे पाकिस्तान टीम में चांस नहीं दिया, हमने T20 में जिसने 2 छक्के मार दिए वो टीम में ले आए, जिसने एक 145 पे बॉल कर दिया आप उसको टेस्ट क्लास दिया। तो जब आपका ऐसी चीजें आ जाएंगी तो जितने डोमेस्टिक प्लेयर, मैं खुद जानता हूँ हमारे साथ प्लेयरों का सबका होता है कि कोई प्लेयर भी नहीं चाह रहा यार मैं डोमेस्टिक क्रिकेट 3 महीने खेलूं, क्योंकि मुझे पता आगे कोई दरवाजा ही नहीं खुला होना। अच्छा चुके, 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 इरफान, टीम में जा ही नहीं सकता। अच्छा इरफान, चुके वक्त का मैं थोड़ा जल्दी में सवाल करूंगा कि आपको क्या लगता है कि शान मसूद को क्या कप्तान रखना चाहिए, बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि लोग शान मसूद की कप्तानी पे भी बात कर रहे हैं और फिर ये भी कह रहे हैं कि रिजवान को तीनों फॉर्मेट में कैप्टन बना देना चाहिए। नहीं, अगर असल में देखें तो अभी को पता नहीं चल रहा है कि अगर तो आपने शान को बनाया है तो ठीक है 4-5 टेस्ट हार गया, लेकिन आप उसको अभी उसको थोड़ा पता चलेगा टीम का या प्लेयरों का तो आप किसी और को ले आएंगे, फिर जब 8-10 मैच आ रहेंगे 5-6 मैच है फिर आप किसी और को चेंज कर लें। अभी अगर आप बनाया है तो उसको देख लें आगे एक आधी सीरीज और चेक कर लें क्या करते हैं। तो फिर सबसे बड़ा देखे पाकिस्तान टीम और क्या कहते हैं PCB का, आगे आपकी टेस्ट सीरीज होनी है तो आपने वनडे नेशनल कप कराना शुरू कर दिया, आप इन दिनों में 4-day matches रखें, 3-4 matches रखें, आपकी चैंपियन ट्रॉफी जो होनी है वो फरवरी मार्च में जाके होनी है, आपके पास टाइम है, आप उसके पास जाके ये वनडे वाला टूर्नामेंट रखते हैं, आपको वनडे के प्लेयर भी मिलते हैं। अभी आपने इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज से खेलनी है तो आपके 4-day matches होते हैं, 4-5 मैच हुए होते हैं, ये जितने भी प्लेयर हैं ये सारे 4-day matches खेलते हैं। अच्छा इरफान, ये बताएं क्योंकि आप खुद फास्ट बॉलर हैं जो नेप और बाउंस आपके पास है, यकीनी तौर पे आप बेहतर बता सकते हैं कि हमें जिस तरह भी आपने खुद भी कहा, आपने मेरे दिल की बात आपने कर दी कि चार के टेस्ट मैचेस की तैयारी आप वनडे टूर्नामेंट से कर रहे हैं और वो भी फैसलाबाद में, कि जहां पे डेनिस लिली ने कहा कि फास्ट बॉलर का कब्रिस्तान है, तो ये किस तरह तैयारी कर रहे हैं, किस सख्त में जा रहा है बोर्ड? तो वही समझ नहीं आ रही कि मतलब कि हमारी क्रिकेट किस तरफ जा रही है। आप जिस तरह देखें आगे वनडे आना होता है, आप टूर्नामेंट स्टार्ट कर दें, आपके आगे टेस्ट मैच आ रहे हैं इंग्लैंड के साथ, आपने वनडे टूर्नामेंट स्टार्ट कर दिया, आपकी चैंपियन ट्रॉफी आनी है फरवरी मार्च में, उस टाइम आपका 4-day matches हो रहे होंगे। तो समझ नहीं आ रही कि मतलब ये डिसीजन लेने वाले कौन बैठे हैं, जिनको मतलब ये चीजें ही नहीं समझ आती कि हमने किस टाइम के कौन सा टूर्नामेंट करवाना है। और सबसे बड़ी बात है कि डिसीजन लेना, आप जितने भी हमारे प्लेयर हैं, जितने आप देखा होगा पाकिस्तान के पास ना कोई अच्छा स्पिनर इस टाइम है, ना कोई इस तरह का फास्ट बॉलर है कि जो आपको अकेला 4-day टेस्ट मैच जिता दे, ना इस तरह का हमारे पास कोई स्पिनर है जिसपे हम कह सकेंगे यार ये अकेला मैच ले जाएगा। तो अभी हमें डोमेस्टिक क्रिकेट में इन सबको भेजना होगा, इनको एक एक साथ 2-2 साल रगड़ा वहां पे खाना होगा, फिर आपको क्रिकेट का पता चलेगा कि क्रिकेट कहाँ से आती है। जिस तरह हमने 3-3 4-4 साल खेल दोबारा कमबैक किया, फिर उसके बाद हमें क्रिकेट की समझ आई कि क्रिकेट होती क्या है। तो अभी आप देख लें अगर जितना भी प्लेयर हैं पाकिस्तान टीम के जो अभी टीम के अंदर है, इन्होंने कितने कितने 4-day matches फर्स्ट क्लास मैचेस पाकिस्तान में खेले हुए, किसी ने 2 है, किसी के 3 है, किसी के 4 है, किसी का आप डोमेस्टिक की बात